बालोद में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की बात की जाए तो गुंडरदेही और गुरूर ब्लॉक में मतदान शुरू हुआ। सुबह से ही मतदान केंद्रों में मतदाताओं की कतार लग गई। चुनाव के लिए दोनों ब्लॉक 502 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें से सरपंच, पंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए ग्रामीण मतदाताओं ने वोट डाले। ग्रामीण इलाकों में इस मतदान को लेकर ग्रामीणों और युवा वोटरों में खासा उत्साह देखने को मिला। जो बनेगा वो सिर्फ देश का या सिटी का नहीं बनेगा, सबसे पहले एक गांव स्वच्छ भारत होना चाहिए, स्वच्छ गांव होना चाहिए, तभी जाके स्वच्छ भारत बनेगा। मैं उन मुद्दों पर अपना वोट देने चाहती हूँ। मैं अपना नेता जो है ऐसा चाहती हूँ जो हमारे गांव का विकास करे, यहाँ की हर छोटी बड़ी समस्याओं पर ध्यान दे और लोगों से अच्छे से खुलकर बात करे, उनकी समस्याओं को जाने, उनकी समस्याओं का निदान करे, ऐसा नेता चाहती हूँ। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि स्वच्छ करो, स्वच्छ स्वच्छता का मतलब ये है कि स्वच्छ सोच भी रखना जरूरी है। तो मैं एक ऐसा नेता चाहती हूँ कि स्वच्छता ऊपर भी ध्यान दे लेकिन अपना सोच भी स्वच्छ रखे। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गदरपुर में दो दिन